नमस्कार, मैं हूं परमेश्वर सिंह और नवी मुंबई टाइम्स न्यूज़ के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज एक ऐसा प्रयागराज कचना का एक घटना है जो 14 तारीख को जो है कि एक इंसान को मौत के घाट उतार दिया गया था, जो कि उसमें पुलिस की लापरवाही बताई जा रही है। परिजन के पिता और परिजन के चाचा ने जो ये बयान दे रहे हैं कि हत्या होने के बाद हम लोग बार बार जो है कि न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन करछना के अंतर्गत आने वाले डिपार्टमेंट हमारे साथ बसलुकी से और हमारे साथ न्याय की जो है कि परिक्रमा होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। और बार बार हमने पुलिस स्टेशन को जाके पत्र व्यवहार कर रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन वो कर रहे हैं हाँ हम तपास कर रहे हैं, हम वो आरोपी को ढूंढ के निकालेंगे। यहाँ तक कि वहाँ के ग्राम प्रधान का भी इसमें इन हस्तक्षेप है, ऐसा भी उनके चाचा का के द्वारा बताया जा रहा है। कि आपको बता दूँ कि जो ये करछना का ये मामला था 14 तारीख को जो युवा को मृत के घात उठा दिया था, दरअसल ये पुरानी रंजिश की वजह से था। इसमें उनके चाचा और पीड़ित परिवार वाले का मांग है कि सीबीआई और सीआईडी मांग जो है जांच होनी चाहिए और जो दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करें। तो आइए देखते हैं, हम परिजनों के पिता हैं हम जो है कि और उनके चाचा जुड़ चुके हैं, सुनिए इनकी खास रिपोर्ट। बोले कि हमारे कार्रवाई आगे नहीं कर रहे हैं, कहाँ धीरे धीरे लगा रहे हैं बताए। हमारे रिश्तेदार नाथ पकड़ के लिए आए, पूछे जाँचे, दो चार रफड़ियों मारे, आवा तक खुलवाड़ा नहीं किया। आज है कम कम 15-16 रोज हो गए हैं, ज़्यादा ही हो रहा है। आवा तक कोई हमारी सुनाई नहीं हो रहा है। जाए तो साहब कहते हैं कि का बोलत हम जांच कर रहे हैं। हम लोग परेशान हैं इसी में। अब हम लोग चाह रहे हैं कि सीआईडी जो है हमारी जो है साथ दे, हमारे जो गलत काम करे हैं हमारे साथ में उसको पता लगा करके उसको हमको खुलवाड़ा किया जाए। जो हत्या हुई है हाँ। उसमें क्या गांव के लोग सम्मिलित हैं? हाँ, गांव के सम्मिलित के बिना काम नहीं हुआ है। गांव किसी पे आपका शक? हमारे जो भतीजा है उससे आया, उसके बाद मुजरिमों को जो हमारे दोषी हैं या उससे झगड़ा हुई थी तो हम लोगों ने बता दिया, तो गए वहाँ। तो जो है प्रशासन उसके घर को तलाशी नहीं की पहली बात, और उसकी बात ले गया तो 20 दिन हो गया, प्रशासन यही थाने पर रखा है। हम लोगों ने जाते हैं तो कहते हैं कि जांच कर रहे हैं, जांच भी नहीं कर रहे हैं, बैठे हैं लड़के के थाने पे, पैसा कौड़ी ले करके अपना जो है घुस इनको केस को दबाना चाहते हैं। हम लोगों की सुनाई नहीं कर रहे। किन लोगों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया? लल्लू हैं, अंगद हैं और बबलू है, ये तीन जो है धमकी दिए थे कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, इसलिए अभी गिरफ्तार। पुलिस वाले किसको गिरफ्तार किए हैं? तीनों को गिरफ्तार किए हैं, उनको जेल नहीं भेजा गया, यहीं थाने पे रख करके पैसा कौड़ी ले करके हमारी केस को दबाना चाहते हैं। कौन दबाना चाहता है केस को? कौन दबाना? प्रधान भी लगे हैं हमारे गाँव के, जो है रोज जाते हैं हमसे मिलते हैं, हम कहते हैं प्रधान जी अगर हमारा लड़का मर गया हमारे घर पे नहीं आए, उनके जो है पैरवी में लगे हैं, उनको बचाना चाहते हैं। तो हमसे दुश्मनी प्रधान कौन थी भाई? प्रधान का भी हाथ होगा इसमें। अच्छा, प्रधान का क्या नाम है? जो है कपिल, उनके लड़के का उमा कांत तिवारी, जो है दोनों लग करके केस को दबाना था। तो हमारी गुजारिश है कि हमको सीबीआई जांच कराई जाए हमारी। अभी आप पुलिस प्रशासन को भरोसा नहीं है, हमारे रिटेंशन वालों को उठाया गया है। हाँ, तो हमारे रिश्तेदारों को, दो औरतों को 2 दिन रात में रखा गया वहाँ थाने पे, क्योंकि उसकी मामी लगती थी लड़के की, और एक जो है मान लो आदिवासी है उसकी औरत है, वो बाहर था, उसके पास मोबाइल नहीं था, तो वही मोबाइल से उसके मुकेश के बतलाता था। पुलिस वाले कह रहे हैं कि इसी ने मर्डर करा दिया। वो ऐसा कैसे हो सकता है 25 किलोमीटर से आके वो लड़की इसको मर्डर करा सकती है, क्योंकि लड़का हमारे घर पे 9 बजे तक घर पे था, उसके बाद मोमबत्ती लेकर बोर पे गया, तो वहाँ वापसी में नहीं घर पहुँचा। हम लोग सोचे कि वहाँ बोर पे लेट गया, तो लेटने उसके बाद जब लेट गया तो यहाँ संदेश नहीं है। सुबह जब गए औरतें खेत में तो पता चला कि वहाँ एक आदमी पड़ा है और पाइप काट करके बोर के पानी उसके शरीर पे लगा दिया गया। अपना नाम बताइए। हम कमलेश पटेल के चूहा, लड़के के चाचा हैं।